नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शिवसेना का सवाल, कश्मीरी पंडितों के मताधिकार पर चर्चा क्यों नहीं। मुसलमानों का मताधिकार छीनने की मांग पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया झेलने वाली शिवसेना ने मंगलवार को पूछा कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसी तरह कश्मीरी पंडितों के मताधिकार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि मुसलमानों के मताधिकार पर देश भर में हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी कश्मीरी पंडितों के मताधिकार के बारे में बात की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कितने हिंदू अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। क्या किसी ओवैसी या उनके किसी धर्मनिरपेक्ष समर्थक ने कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज उठाई। यह उल्लेख करते हुए कि कश्मीर घाटी से एक भी हिंदू विधायक नहीं बना, शिवसेना ने आरोप लगाया कि वहां कोई हिंदू नहीं बचा जो वोट डाल पाता। वहां केवल वे लोग जीत सके जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल। टाइम पत्रिका के पाठकों द्वारा कराई गई एक ऑनलाइन राय शुमारी में दुनिया भर के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल की टाइम रायशुमारी में सबसे आगे रहे। पॉप जगत की सितारा लेडी गागा को 2.6%, रिहाना को 1.9% और टेलर स्विफ्ट को 1.8% वोट मिले और वे शीर्ष 5 में जगह बनाने में सफल रहीं। आधिकारिक सूची की घोषणा इस सप्ताह के आखिर में होगी। मायावती बोली, किसान बदहाल, पीएम और सीएम विदेश दौरे पर। बसपा मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की हुई बर्बादी से त्रस्त किसानों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मायावती ने कहा कि किसान परेशान हैं, मगर प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री भी विदेश जाने वाले हैं। रॉबिन उथप्पा ने पकड़ी सरफराज खान की कॉलर। आईपीएल 8 के दौरान एक खुलासा हुआ है जिसके तहत 11 अप्रैल को बेंगलोर और कोलकाता के मैच के दौरान कोलकाता टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी सरफराज खान का कॉलर पकड़ लिया था। मीडिया खबरों के मुताबिक यह वाकया कैमरे की नजरों के सामने नहीं हुआ। घटना साइड स्क्रीन के पीछे होने की बात कही जा रही है। उस समय रॉयल चैलेंजर्स के एबी डिविलियर्स और अशोक डिंडा ने अपने साथी खिलाड़ी को बचाया था। मौत के बाद क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बल्ला जाएगा एवरेस्ट। गत वर्ष सिर में गेंद लगने से मौत के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बल्ला नेपाल की पर्वतारोही चुरी शेरपा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाएंगी। वे फिलिप ह्यूज का बल्ला और 2 जर्सियां माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाएंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।